हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं तीज स्पेशल बेसन के सत्तू। ये सत्तू हमने बेसन के मोटे आटे के बनाए हैं, तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले घी चढ़ा दिया है। ये घी मैंने लगभग 3.25 किलो लिया है। गैस पे चढ़ा करके घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने दीजिए। और इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ 6 किलो मोटा बेसन। हम 6 किलो का बना रहे हैं क्योंकि मेरे घर में उद्यापन हो रहा है, तो ये 6 किलो के सत्तू में बना रही हूँ। बेसन को बाजार से लाने के बाद में एक बार ज़रूर छान लें ताकि उसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह है वो पूरी तरह से खुल जाए। शुरुआत में इसको हिलाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब तक घी मिलता है तब तक ये थोड़ा टाइट रहता है। जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे ये ढीला पड़ जाएगा और उसके बाद में इसको हिलाना आसान हो जाएगा। गैस की फ्लेम मैंने लो कर रखी है और लो फ्लेम पर ही हमें पूरा सत्तू बनाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए, सिकते हुए कम से कम आधा घंटा हो चुका है और ये अब कब ढीला पड़ गया है और थोड़ा थोड़ा सिकने में भी आ गया है। मंदी मंदी आंच में अगर ये सिकेगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये अंदर तक पूरी तरह से पक भी जाएगा। कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये चिपक जाएगा। जैसे जैसे ये सिकता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये सिक रहा है वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो गया है। लगभग 2 घंटे तक मैंने इसको सेका है और अब ये सिक के तैयार हो गया है और मैंने इसको अलग रख दिया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर बूरा यानी कि चीनी। 6 किलो बेसन में मैंने यहाँ पर 4 किलो बूरा लिया है और उसके बाद में मैंने इसको छलने से छान लिया है ताकि ये एक साथ हो जाए। और सत्तू को हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है और उसके बाद में हमें चीनी मिलानी है। सत्तू यहाँ पर ठंडा हो गया है और उसके बाद में मैं इसमें चीनी मिला देती हूँ और उसके बाद में हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। गर्म सत्तू में हमें चीनी नहीं डालनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अच्छी तरह से हमें इसको हिलाना है। मेरे पास सत्तू ज़्यादा क्वांटिटी में है इसलिए चम्मच से अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इन्हें हाथ से हिला रही हूँ। तो इस तरह अपने हाथों की सहायता से इस तरह से ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से चीनी को मिला लीजिए। अपने हाथों से ही चीनी मिलाना बेटर रहता है क्योंकि इससे चीनी है वो पूरी तरह से मिल जाती है। चम्मच की सहायता या करछी की सहायता से उतनी अच्छी तरह से नहीं मिलेगी, इसलिए अपने हाथों से इसको मिलाएं। चीनी को पूरी तरह से मिलाने में हमें 10-15 मिनट आराम से लगेंगे, इसलिए तसल्ली से चीनी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। और जब चीनी मिल जाए तो अपने मनचाहे आकार के बर्तनों में इनको निकाल करके जमा लीजिए। हमारे घर में उद्यापन हो रहा है तो मैंने यहाँ पर 17 टिफिन लगा लिए हैं और उनको बराबर साइज में जमा दिया है। और साथ में ही आकड़ी और नीमड़ी के 2-2 लड्डू भी इसमें रख दिए हैं। तो बेसन का सत्तू बन करके तैयार है। दिखने में टेस्टी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आई होप कि आपको पसंद आएगा और आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी पसंद से आप इसमें काजू, किशमिश, इलायची, किसी की भी डेकोरेशन भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।